सीधे सीधे मैं कब ले इसके की जनाबे वसीम रामपुरी साहब या जनाबे काविश उदलवी साहब को आवाज दूं, उससे पहले मैं कैसे शायर को लाना चाहता हूं, तमहीद तो मैं करता लेकिन वक्त बिल्कुल नहीं है। बहरहाल हिंदुस्तान में बड़ी मोहब्बतों के साथ वो शायर सुना जाता है, आपसे मुतआरफ है, आपसे छुपी हुई बात नहीं है। मैं जनाबे असाद आदमी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं किताबें जिस्त पढ़ूं कि तेरा ख्याल पढ़ूं, हर एक लफ्ज में बस तू दिखाई देता है, वो नगमा प्यार का असाद जो तुमने गुनगुनाया था, हर एक वक्त मुझे बस सुनाई देता है। माइक पर जनाबे असाद आजमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। लुकमान भाई, मैं आपसे छोटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आइंदा साल जब आप मुशायरा रखिएगा तो जो पीछे बैकग्राउंड पे जो होर्डिंग लगी हुई है उसमें उर्दू भी लिखवा दीजिएगा। सही बात, ठीक है, ये एक जरूरी है क्योंकि उर्दू अदब की शान उर्दू है। अरे वो सब बात की बात है, वो सब बहरहाल। चलिए मैं सीधे सीधे मतलब आपको सुनाता हूँ, गजल का एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल नज़्म पढ़कर मैं हाजिर अपनी जगह पेश करता हूँ। वक्त का लिहाज करते हुए वसीम रामपुरी काविश उदलवी मेरे भाई तशरीफ फरमा है, मैं पढ़ता हूँ सीधे सीधे मतलब समाप्त फरमाए। सख्त है राह तेरे साथ मगर जाएंगे, सख्त है राह तेरे साथ मगर जाएंगे, सख्त है राह तेरे साथ मगर जाएंगे, तुझसे बिछड़े तो सिसकते हुए मर जाएंगे, तुझसे बिछड़े तो सिसकते हुए मर जाएंगे, सर पटकती हुई आवारा हवाओं की तरह। थोड़ा सा मेरे भाई, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं अच्छी तरह जानता हूँ, इससे पहले जो मुशायरा हुआ था उस मुशायरे को मैंने पूरी कोशिश करके मुशायरा बनाने की कोशिश किया था। दोस्तों आपसे थोड़ी सी उम्मीद है, पढ़ता हूँ सीधे सीधे ये शेर, आप सुन लीजिएगा, उसके बाद एक नज्म आप बिल्कुल संजीदगी से सुनिएगा, मुझे कोई दादो तहसीन की जरूरत नहीं पड़ेगी उस नज्म को पढ़ने के लिए। पेश करता हूँ सीधे सीधे इस शेर को सुने, पढ़ता हूँ। अकमल भाई आप थोड़ा सा जुड़ जाए, पढ़ता हूँ समाप्त फरमाए। के सर पटकती हुई आवारा हवाओं की तरह, सर पटकती हुई आवारा हवाओं की तरह, अजनबी शहर में हम जाने किधर जाएंगे, अजनबी शहर में हम जाने किधर जाएंगे, तुझसे बिछड़े तो सिसकते हुए मर जाएंगे। आइए दोस्तों एक मतलब एक शेर और आप तक पहुंचाता हूं, उसके बाद नज्म का मतलब आप तक पहुंचाऊंगा। पेश करता हूं सीधे सीधे इरशाद। पैगाम शरीयत का आलम को सुना देंगे, अभी चांदनी साहिबा पढ़ रही थी तो आप बहुत उछल उछल कर दाद दे रहे थे, या आपकी चढ़ती जवानियां बोल रही थी और कुछ नहीं बोल रहा था। बहरहाल मैं इस आपकी जवानियों को सलाम करता हूँ, आपके अदब को सलाम करता हूँ। या आखिर का हिस्सा जो है, मेरे दो भाई बचे हुए हैं, आप इस मुशायरे को मुशायरा बना दीजिए। पेश करता हूँ सीधे सीधे समाप्त फरमाए। के पैगाम शरीयत का आलम को सुना देंगे, पैगाम शरीयत का आलम को
तो सुना देंगे हर जुल्म के नक्शे को दुनिया से मिटा देंगे हर जुल्म के नक्शे को नहीं बहुत खूब जिंदाबाद भाई। अरे लुकमान भाई आप जुड़ जाए भाई क्या कर रहे हैं आप आखिर का वक्त है आधे घंटा सिर्फ आप थोड़ी देर सुन लीजिए छोड़ दीजिए वो सब चीजें साथ सारी चीजें हो जाएंगी आप छोड़ दीजिए पेश करता हूँ सीधे सीधे दोस्तों अब ये शेर इंशाल्लाह पूरे जहानागंज की मैं ताई चाहूंगा अगर आपके दिल की बात हो जाए आपकी मन की बात हो जाए तो आपकी दुआएं मुझे चाहिए पढ़ता हूँ सीधे सीधे समाज फरमाए को बदलने की जो बात किया हमसे तुम मुझे गालियां दे दो दहशतगर्द कह दो मैं बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन कुरान में तब्दीलियां इस्लाम में तब्दीलियां ना ये जमाल अरबन भाई बर्दाश्त कर सकते हैं ना इस हिंदुस्तान का मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है पढ़ता हूँ सीधे सीधे शेर समाज फरमाए कि कुरान को बदलने की जो बात किया हमसे हम काट के सरे उसका कुत्तों को खिला देंगे क्या बात है भाई बहुत खूब असद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत खूब बहुत खिला देंगे हम काट के सरे उसका कुत्तों को खिला देंगे आइए दोस्तों सीधे सीधे नज्म के चंद बंद मैं आप तक पहुंचाता हूं मैं बिल्कुल हायल नहीं होना चाहता अपने भाइयों के दरमियान पेश करता हूं सीधे सीधे वसीम भाई काविश भाई पढ़ता हूं समाज फरमाएं सुन लो ऐ आदम के बेटों कौम पे ये एहसान करो आप बिल्कुल संजीदगी से सुनिए अगर इस नज्म में कुछ आपको लग जाए और कोई मैसेज आप तक पहुंच जाए कोई पैगाम आप तक पहुंच जाए तब आप अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा पेश करता हूँ सीधे सीधे समाज फरमाए कि सुन लो ऐ आदम के बेटों कौम पे ये एहसान करो माँ बेटी और बहनों के माँ बेटी और बहनों के पर्दे का तुम सामान करो सुन लो ऐ आदम के बेटों कौम पे ये एहसान करो जिस पे हंसे सारी दुनिया मत ऐसा कारोबार करो जिस पे हंसे सारी दुनिया मत ऐसा कारोबार करो अपने घर की इज्जत को तुम यूं न सरे बाजार करो अपने घर की इज्जत को तुम यूं न सरे बाजार करो मरियम सारा की है कनीजे इनकी तुम हुरमत समझो मरियम सारा की है कनीजे इनकी तुम हुरमत समझो उस वे हुसना पर है अमल तो पर्दे की अजमत समझो उस वे हुसना पर है अमल तो पर्दे की अजमत समझो बिन्ते नबी ने क्या है बताया इसका तुम ऐलान करो सुन लो ऐ आदम के बेटों कौम पे ये एहसान करो सुन लो ऐ आदम के बेटों कौम पे ये एहसान करो अब दोस्तों सिर्फ ये आखिर बंद पढ़ता हूँ उसके बाद इस नज़्म के सिर्फ एक बंद पढ़कर मैं अपनी जगह लूंगा बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो घर पर मौजूद रहते हैं और अपनी बहनों को बाजार में भेज देते हैं मार्केट करने के लिए बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनकी मजबूरियां होती हैं उनके भाई नहीं रहते उनके हस्बैंड सऊदी रहते हैं लेकिन बहुत सारे हमारे भाई
ऐसे हैं जो ये काम करते हैं अपनी बहनों को भेजकर। इस बंद से अगर आप तक एक मैसेज पहुंच जाए, एक पैगाम पहुंच जाए, तब आप इस बच्चे को अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। पेश करता हूं दोस्तों सीधे सीधे बतौर खास बंद समाज फरमाए कि मरियम बनकर सीता बनकर कौम को इस तहकाम किया, मरियम बनकर सीता बनकर कौम को इस तहकाम दिया, बीवी बनकर माँ बनकर इस खिदमत को अंजाम दिया। सुन लो तुम्हारा ज़ौक अमल माँ के शाया निशान रहे। माँ को मुंह तो जवाब देने वालों नौजवानों मेरा ये मैसेज सुनो, आपके दिल तक पहुंचेगा। पढ़ता हूं सीधे सीधे समाज फरमाए कि सुन लो तुम्हारा शौक अमल माँ के शाया निशान रहे, कदमों तले जन्नत है माँ के इसका तुमको ध्यान रहे, कदमों तले जन्नत है माँ के इसका तुमको ध्यान रहे। माँ की इज्जत की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करो। सुन लो ऐ आदम के बेटों कौम पे ये एहसान करो, सुन लो ऐ आदम के बेटों कौम पे ये। क्या कहने भाई, बहुत खूब असद साहब, बहुत खूब।